तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूं आपका अपना राजभर राज, आपके सामने RR 310 BMW मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं। इसके अंदर छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है कि नीडफुल मॉडिफिकेशन जो इसमें दिखाऊंगा आपको। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलेगा आपको ये है कि नंबर प्लेट फ्रेम, आपने देखा नंबर प्लेट काफ़ी मोड़ी हुई है। तो भैया ने पहले ना थोड़ी सी समझदारी पैसे बचाने की, पर फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। पैसे बचाने से हुआ ये नंबर प्लेट आपकी मुड़ गई है और थोड़े दिन नहीं लगा तो टूट ही जाती, लेकिन अब ये लग गया, अब इसको कुछ नहीं हो रहा है, अभी होगी परमानेंट फिक्स। अब देख सकते हैं ये फिक्स हो चुकी है, इसके अंदर मेटल का होता है ये, और ये आपकी होती है एल्युमिनियम, तो ये हो गया फिक्स, अब ये कहीं नहीं जाने वाली। इधर आपने करा रखी है भैया ने स्मोक कलर की रैपिंग, जो कि आप देख सकते हो ये आता है ट्रांसपेरेंट, ये स्मोक करा रखा है भैया ने। और फ्रंट में दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं ये इसका फॉर प्रोटेक्शन, ये इसका फॉक्स रेडर, इससे आपका UAG शॉकर और आपका मरगार्ड, और इस तरफ देखेंगे तो आपकी डिस्प्ले वगैरह ये होती है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। तो ये लगा दे प्रोटेक्शन वाला, और ये गोल्ड कलर पता है क्यों लगवाते हैं लोग? बहुत से लोगों का मन में ख्याल होता है कि गोल्ड ही क्यों लगवाते हैं, उसका मैं कारण बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये इसके शॉकर से ना ये गोल्ड होते हैं, और जब गोल्ड अगर शॉकर हो तो नीचे अगर गोल्ड नहीं हो तो मैचिंग होगी नहीं, तो इसलिए गोल्ड लगाया जाता है, इसलिए दिया जाता है। बाकी आप चाहो तो अपने पास सारे कलर अवेलेबल है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे मिल जाएगा, टाइटेनियम ग्रे मिल जाएगा, ब्लू भी मिल जाएगा, तो सारे कलर अपने पास अवेलेबल होते हैं। बट ये लगाते हैं लुकिंग की वजह से, और सेफ्टी तो आपकी मैंने बताई दिया होती है। और नीचे दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं ये इसका रेडिएटर गार्ड, जो कि आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील के अंदर, और इसका जो बेसिक यूज़ है वो होता है कि आपके रेडिएटर को करता है पूरी तरह प्रोटेक्ट, क्योंकि जब भी आप ये रोड पर निकलते हैं ना, तो अगर आपके रेडिएटर पर जरा सा पत्थर वगैरह कुछ भी लग गया ना तेज़ से, तो वो हो जाएगा डैमेज। उससे डैमेज होना, आपका अगर ऑयल कूलेंट जो होता है वो निकल गया, तो उसे निकलने के बाद आपकी गाड़ी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो वो बचाने के लिए रेडिएटर गार्ड, जो कि स्टेनलेस स्टील होता है, ये लगाने से आपकी गाड़ी होता है पूरी सेफ, पार्ट छोटा सा बट सेफ्टी पूरी गाड़ी की। तो ये इसके अंदर लगा देगा। साथ में एक और दिखाऊंगा आपको सेफ्टी वाला फीचर्स, वो है आपका क्रैश गार्ड। देख सकते हैं ये है इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, स्लाइडर वगैरह लगा लेते हैं, बट स्लाइडर सेफ तो होती है, बट इतनी सेफ नहीं इतनी अब क्रैश गार्ड से हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो दिखाई थी ना आपको, RR 310 BMW ब्लैक कलर की, वो गाड़ी जब रास्ते में आ रही थी एक बार गिर गई थी, उस गिरने से क्रैश गार्ड उसने एक तो क्रैश गार्ड बचाई थी, एक में क्रैश गार्ड लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी उसकी गाड़ी पूरी बच गई थी, फेयरिंग वगैरह सारा कुछ। और एक गाड़ी ऐसी थी जिसमें नहीं लगा हुआ था RTR के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था कि उस गाड़ी के अंदर स्क्रैचेस आ गए थे काफ़ी सारे बिना इसे लगे हुए। तो इससे सबसे फ़ायदा होता है कि आपके स्क्रैच बचते हैं, आपका बॉडी पार्ट नहीं टूटता है। ये देखिए ना, ये पूरा पोर्शन था आपका सेफ, टैंक भी सेफ होता है, आपका वाइजर भी सेफ होता है, और इससे ना खुद के आपके लैग्स भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। अब आप देख लो इसकी लुक किस तरीके की आती है लगने के बाद, ये देखिए ये इसकी लुक आती है इस तरीके से, पूरी सेम इधर मिलेगा, सेम आपको मिलता है इस तरफ भी, ये देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके लगने के बाद ऐसा लगता है कि शायद आपकी बाइक में और बल्कनेस आ गई हो इसे लगाने के बाद। और जो स्लाइडर है ना, बचाने का जो काम करते हैं वो आपके स्लाइडर्स करते हैं, ये घिस जरूर सकते हैं, बट इसकी वजह से आपकी पूरी गाड़ी बचेगी, क्योंकि ये है एक सेफ्टी प्रोटेक्शन जो क्रैश गार्ड की होती है सबसे ज़्यादा। और ये भैया ने BMW के इसके देख सकते हैं ये सीट कवर कैसे लगा रखे हैं, बहुत महंगे होंगे जो लगवाएंगे मुझे पता है, अगर हमसे बना सस्ते बना देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे बाकी ये भी। इधर आपको देखने मिलेगा टैंक पैड, जिससे आपकी टैंक होती है पूरी तरह से प्रोटेक्ट, क्योंकि जब भी राइडर बैठता है ना इधर, तो आपका जो बेल्ट का जो पोर्शन होता है वो आपको यहाँ पर टकराता है, डेफिनेटली टकराता है, तो नॉर्मली स्क्रैचेस वगैरह आना इसमें कंपलसरी है। तो ये करता है पूरी तरीके से स्क्रैच को प्रोटेक्ट। और साइड में आपको देखेंगे थाई पैड्स, जिससे आपके पैंट वगैरह रगड़ने से ये भी ख़राब हो जाता है, तो ये बचाता है उसको भी। तो इससे हो गया ऑलमोस्ट पूरा टैंक कवर्ड और सेफ। तो ये हो गया इसका सेफ्टी फीचर, और मैंने आपको दिखाया इसके अंदर क्या इसका एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होता है इसका। और अब मिलाता हूँ भैया से, क्योंकि भैया बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, इनको बुलाता हूँ। तो पहले तो बताएंगे सर आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, और आपको बताएं काम कैसा लगा उसके बाद। काम बढ़िया लगा, एक नंबर काम है। मैं द्वारका से आया हूँ, और मैं पहले यहाँ आया था, पहले आपसे पता ही करा था, उसके बाद करवाया काम। स्पेशली गाड़ी लेके इसलिए आया था ताकि सारा काम एक साथ करवा सकूं, जितना मुझे चाहिए। ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है? हाँ, पूरा सेटिस्फाइड। अगर कोई आना चाहे अपना भाई बंधु दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से, क्या रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल आइए, यहीं कराइए, बढ़िया है, यहाँ पे काम एक नंबर होता है और जल्दी भी होता है। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। राजू भाई एस्केडिक जो मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी, सेम मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी राजू भाई, और मेरे चैनल का जो नाम है वो है राजू भाई SKD, जो कि देखने में राजू भाई SKD। तो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। और आपको इसके बाद जब कोई भी काम कराता है तो मैं इसको गिफ्ट भी हमेशा देना शुरू कर दिया है मैंने, जो कि भैया को दूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में दिखाऊंगा नहीं तो बंदा कहेगा भाई मेरे को भी यही वाला चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों के लिए स्पेशल होता है, जो कि मैं देता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो देख कर रहा तो मेरे पास आते हो, तो मैं चाहता हूँ खुशी खुशी जाओ। तो वीडियो चलो, चल को लाइक से शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जय श्री राम, जय जन, गुड बाय।